नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एग्रीगेशन चैनल पर। आज मैं आपको ये कॉलर बताऊंगी। ये देखिए कॉलर है, आपको मैं ये बना के बताऊंगी। ये बनते बनते ये फंदा बढ़ते हैं तो अपने आप गोल हो जाती है। फिर इसको इसके स्वेटर की गोल कटिंग करके और इसको यहाँ से जोड़ लें। फिर इसी से मैं फंदा भरूँगी ऊपर को हाई नेक गला बनाने के लिए। पहले आपको ये कॉलर की डिज़ाइन बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 20 फंदे डाले हैं इसमें और ये जाली जाली पे फंदे बढ़ भी जाते हैं और यहाँ फंदे में एक साथ घटाती हूँ। आपको मैं बना के बताऊँगी किस तरह डाले। ये फंदे मैंने यहाँ से डाले थे 20 फंदे। इस साइड में पहले हम ये 3 फंदे सीधे लेंगे। तीन फंदे के बाद अब हम लगातार 3 जाली डालेंगे। एक, दो, अब ये तीन। ये 3 जाली ये डाली हैं। ये जब फंदा जब शुरुआत करते हैं तो इसी तरह बनाते हैं। एक, दो, तीन। ये देखिए, पहले मैं ये 3 फंदे सीधे लिए हैं, फिर मैं लगातार 3 जाली डाली हैं। 3 जाली ये यहाँ डली हुई हैं। इसके बाद फिर 4 फंदे में सीधे लूँगी। ये तीन, ये जाली वाला फंदा भी इसी में है और ये 4 फंदे सीधे हो गए। और ये फंदे हम ये उल्टे करेंगे। देखिए, ये जाली वाला फंदा और ये साथ लेके दोनों को एक कर देंगे। एक के बाद में ये मैंने जो ये डाली है इसमें ये डिजाइन है, धागा आगे करके ये दो दो फंदे लेंगे साथ में। एक और ये दो। फिर एक फंदा हम सीधा लेंगे जी, इस तरह उल्टा ले लिया। फिर से बीच में एक ही उल्टा इसमें इसमें और एक यहाँ पे। एक और ये दो फंदा हम यहाँ उल्टा कर देते हैं। ये डिजाइन में यहाँ सीधे फंदे आ जाते हैं, इन्हीं पे हम फिर से डिजाइन डाल देते हैं। ये धागा करके ये मैंने उतार लिया है, इससे हमारा ये साइड सफाई से आ जाए। पूरे उल्टे बनेंगे। केवल ये कॉलर आगे से ही ये मैंने 3 फंदे सीधे लिए थे पहले, अब 3 लिए, अभी भी ये 4 हो गए। फंदा बढ़ता जाता है, यहाँ दोबारा से जाली डलेगी। यहाँ पे मैं हर सलाई पे जाली डालूँगी। एक हो गई और इस पे भी ये जाली डलेगी। ये देखिए, ये दोनों तरफ 3 बार जाली डलेंगी। ये 3 जाली डली हैं, 3 इधर, 3 इधर, 6 जाली हैं। और बीच में ये फंदे बाकी सब सीधे हो जाते हैं। देखिए, ये बढ़ा हुआ फंदा हम सीधा बुन लेंगे, इसी पर जाली डालेंगे। फिर दूसरी भी ये हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। जो उल्टा है वो उल्टा लेंगे, जो डिजाइन में उस पर डिजाइन डालेंगे। फिर से एक उल्टा है, इसको उतार लें। देखिए, अब जो 3 थे पहले, अब 5 हो गए। 8 तारीख फंदा बढ़ जाता है। फिर से एक जाली डालेंगे इसमें और यहाँ ये फंदे, ये जाली वाले फंदे यहाँ हम सीधे करते जाएंगे। ये दो दो 4 जाली हो गई हैं। यहाँ पे केवल 6 ही जाली डालनी है।
दोनों तरफ। ये देखिए जी, आगे से मेरी चौथी सिलाई है, ये फंदे बढ़ते जाते हैं। और यहाँ में जाली, तीन जाली डली थी, ये चौथी हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सात जाली डालूँगी, उसके बाद में फिर ये यहीं बंद कर देंगे। ये बढ़ गए, अब यहाँ मुझे जाली नहीं डालनी है, और ये छह ही जाली है, इसे हम ये सीधा बुन लेंगे। देखिए इसी तरीके से ये लीफ जैसी बन जाती है। अब इसको इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। आगे से मैं सात सलाई निकालूंगी, ये यहाँ पे सात जाली हो जाएंगी, फिर इसको बंद करके बताऊंगी। यहाँ उल्टा है, फिर ये आगे धागा करके दोनों फंदे, फिर धागा पीछे कर देना है, फिर बीच में एक उल्टा है, फिर दो ऐसे ही, ये दो फंदे मिल लिए, फिर एक उल्टा है यहाँ पे, ये हम उतार लेंगे। देखिए ये मेरी सातवीं सलाई है, सात सलाई पे ये डिजाइन बंद हो जाती है, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः जाली हो गई हैं, ये हम सातवीं डालेंगे, बाकी फंदे सीधे बनेंगे। उतार लेंगे इसी तरह से, पूरी हो जाती है। अब हमें ये जो डिजाइन वाले जो फंदे हैं यहाँ पे, ये आठ फंदे, इनको हम एक साथ कम कर देंगे, घटा देंगे, एक दो चार पाँच छः ये सात ये आठ, हमारी ये आठ फंदे एक साथ कम हो गए, बाकी के हम ये बुन लेंगे। देखिए इसी तरीके से जो मैंने अभी यहाँ पर डाल के बताई थी आपको, यहाँ पे भी ऐसी डलेगी। अब यहाँ से दोबारा शुरू होगी, ये हम तीन फंदे सीधे लेंगे, फिर यहाँ जाली डालेंगे तीन लगातार, और फिर ये बनाएंगे, ये फंदे बढ़ जाते हैं, तो दो दो करके दो का एक करना है यहाँ पे। इसी तरीके से ये और जी गोल भी आती है, आप गोल गले में इसे अटैच करें तो ये कॉलर बहुत सुंदर लगेगी। और इसमें हाई नेक गले के लिए ये अटैच करके, फिर यहाँ से मैं अब फंदे भरूँगी, यहाँ से ये पूरे ये फंदे भर के, और करीब छः इंच बना के ये हाईनेक गला बन जाएगा। देखिए ये इसी तरीके से ये कॉलर बन गई है, यहाँ पे ये अटैच होगी, और यहीं से मैं फंदे भर के हाईनेक गला बनाऊँगी, ये पूरा अपने गले के स्वेटर के हिसाब से इस तरीके से गोला आ जाएगी।
गुलाई में आ जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से इसे जॉइंट हो जाएगा। जितना बड़ा आपका बच्चा है या किसी का सूट रहे उसमें लगाएं इस हिसाब से। अब ये मैं फंदे भरूंगी, तरीके से एक कॉलर इसी तरीके लंबी बना के फिर ऐसे फंदे भर लें। अगर आपका फुल साइज का स्वेटर है तो करीब 100 फंदे भर लें, बिल्कुल सही जाएगा। बाद में इसको या तो बंद कर दें या बटन लगा लें। ये देखिए ये मैंने पूरे हाईनेक के गले के लिए फंदे भरे हैं ऊपर। अब मैं इसको सीधा बनाऊंगी। सलाई में ये पूरी इसी तरह बनाऊंगी उल्टी। ये उल्टी साइड मैंने पूरी उल्टी निकाल दी है। अभी यहाँ से दो दो सीधे और दो उल्टे इस हिसाब का बॉर्डर जैसा बनाऊंगी। देखिए ये ऊपर मैंने ये दो सूधे दो उल्टे बना लिए, करीब 2.5-3 इंच बनानी है। ये फिर इसको अभी मैं बंद कर दूंगी। इधर से भी मैंने ऐसे ही लिए दो उल्टे दो सूधे दोनों तरफ से, इधर उल्टे हैं वो इधर सीधे किए हैं, जो इधर सीधे हैं वो मैंने इधर उल्टे किए हैं। ये देखिए अब मैं इसको बंद करके और ये इस तरह सिलाई लगाऊंगी। मैं इसको इसी तरह ये घटा दूंगी और घटा के ये हैनेक कॉलर बन जाएगी। और ये यहाँ से मैंने जो फंदे भरे हैं यहाँ पे अपना गले की कटिंग करके, गोल गले की कटिंग करके यहाँ पे अटैच करना है इस जगह पे। फिर ये नीचे ऊपर झल्लर आ जाएगी, ये अंदर की साइड अटैच करना है, ऊपर ये झल्लर आ जाएगी और ऊपर ये हैनेक कॉलर आ जाएगी। इस तरीके से ये कॉलर बन जाएगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।